बीजेपी के पास में कोई मुद्दा नहीं है, ये तो खुद विधायक है जो विधायकों के खिलाफ है। अरे ये भी चुन के आए हैं, 200 विधायक चुन के आते हैं राजस्थान की विधानसभा में, कानून से चलती है विधानसभा। इस प्रकार अगर विधानसभा का कोई भी मुद्दा है उसको आप और प्रकार से फड़फड़ा रहे हो या कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। लाख कोशिश कर ले, ये सदन जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है और इसमें ये अपनी छेप मिटाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, जब कल विधानसभा के अध्यक्ष जी ने इनके प्रतिपक्ष के उपनेता को जिस प्रकार की झड़प लगाई उसे बौखलाए हुए हैं ये, और बौखला कर जिस प्रकार का कृत्य करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने जेब फिर मिटा ले, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो युवा भटक गए थे और फिर एक बार युवाओं के साथ में चलावा हुआ है, कितने किसानों को मौत के घाट उतार दिया, 3 काले बिल के मामले में उन किसानों के साथ में फिर अन्याय किया गया है। यानी कि एक तरह से आने वाले समय में अगर इस प्रकार के 1-2 बजट और आ गए तो यहाँ के लोगों को जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं मिलेगा। इस प्रकार का बजट केंद्र की सरकार ने पेश किया, राजस्थान सरकार का बजट भी आने संभवतया जो 10 तारीख को आने की संभावना है वो तो एक ऐतिहासिक बजट होगा। इस प्रकार का बजट होगा, पिछली बार जब बजट आया था वो भी जमीन धरातल के ऊपर उस बजट की भी क्रियान्विति हुई है, और ये बजट तो एक इतिहास बनाएगा। जब राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता जब जाम लग जाएगा शहरों के अंदर, टीवी पे बैठ के अशोक गहलोत जी को सुनेगी, और प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेश के लीडर भी, नेता भी, देश भी अशोक गहलोत जी के जो बजट आएगा उसको सुनेंगे, तो निश्चित रूप से जो क्रियान्विति होगी वैसी क्रियान्विति जो पहले हुई है, इस प्रकार का बजट आएगा। और समय से पहले बजट इसलिए आ रहा है कि आने वाले 10 महीने के अंदर उसकी क्रियान्विति हो सके, एक इतिहास रचेगा राजस्थान के, नई लकीर खींचेगा, इस प्रकार का बजट आएगा राजस्थान।